एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोक गायिका उत्तरी चुनाव दंगल में बड़कोट नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंका जाएगा उत्तर काशी का कूड़ा। 13 बार शादी करने वाले है अरशद वारसी। मसूरी प्रदेश में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां नए नए तरीके अपना रही है। स्टार प्रचारकों के बाद अब बीजेपी ने उत्तराखंड के मशहूर लोक गायिका मीना राणा को प्रचार करने के लिए उतारा है। मीना राणा बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। वो इसके लिए बीजेपी के लिए प्रत्याशी है सभासद के लिए, तो इसलिए मैं उनके प्रचार प्रसार में आजकल आई हूँ। क्या मानती है? नगर पालिका बाड़ाहाट और प्रशासन के लिए कूड़ा निस्तारण करना चुनौती बढ़ा हुआ है। कूड़ा निस्तारण की कई योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब नीति नियंता हरकत में आ गए हैं, जिसके बाद अब उत्तर काशी नगर का कूड़ा बड़कोट नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंका जाने की बात सीएम त्रिवेदी ने कही गई है। अरे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है। आपसे आने के से पहले यहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण के लिए अभी वो बड़कोट के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भेजा जा रहा है, और उसके लिए बहुत जल्दी हमने उसके लिए प्रस्ताव डीएम ने हमको दे दिया है, उसके हम नजदीक ही उसकी व्यवस्था करें। धमाल और गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से सभी को हंसाने वाले अभिनेता अरशद वारसी शादी करने वाले हैं, वो भी 13वीं बार। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन यह सब असल जिंदगी में नहीं बल्कि एक फिल्म में होने वाला है। दरअसल प्रकाश झा की आने वाली फिल्म फ्रॉड सैया में अरशद एक दो नहीं बल्कि पूरी 13 बार शादी करेंगे। फिल्म के नाम से ही साफ है कि यह एक धोखाधड़ी की कहानी है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।